नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल हंसी की आवाज से फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपका साक्षात करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने शिक्षा जगत में तो नाम कमाया ही और एक दानवीर कर्म भी कहलाए। लाला धनी राम जी का नाम आप सब जानते होंगे, घिराए वाले, जो एक बहुत दानवीर कर्म रहे, फिलंथ्रोपिस्ट रहे, उनके सुपुत्र श्रद्धेय सजन अग्रवाल जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी ऐसे इंट्रोडक्शन की उनको जरूरत नहीं, उनके नाम से ही सब जानते हैं। लेकिन जब किसी शख्सियत को एक अवार्ड से, नेशनल अवार्ड से, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा जाए, तो उसमें शहर का नाम, जिले का नाम, अपनी स्टेट का नाम और पूरे नेशन का नाम गौरवान्वित होता है। ऐसी एक शख्सियत जिसका पहले मैंने नाम एलोबरेट किया, सजन अग्रवाल जी, जो हाल ही में कॉटन यानी कि हमारी एग्रीकल्चर की एक सबसे बड़ी जीनस होती है, सबसे एक अहम जीनस होती है जिससे कपड़ा बनता है, नवरत्न अवार्ड ऐसे कॉटन ग्रोवर्स को, ऐसे कॉटन ट्रेडर्स को, ऐसे कॉटन मिलर्स को, ऐसे फैक्ट्री मालिक्स को जो अपने फील्ड के अंदर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल करते हैं, उनको दिया जाता है। हरियाणा की ओर से हमारे हांसी की शान बने सजन अग्रवाल जी हाल ही में कपड़ा मंत्री, जिसे हम कहें टेक्सटाइल मिनिस्टर, श्रीमती स्मृति ईरानी, वे स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर कृषि मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी से नवरत्न अवार्ड से सम्मानित होकर आए हैं। ये हांसी के लिए ही नहीं, पूरी स्टेट के लिए गौरव का विषय है, प्रेस्टीज का विषय है। आइए इनसे जानते हैं। आप एसडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल के वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कहूँ या स्टेट कहूँ, उसके प्रेजिडेंट हैं। एसडी कन्या महाविद्यालय जो नारी शिक्षा पर बल देता है, उसके आप प्रबंधक हैं। इनके पिता श्री लाला धनी राम जी बहुत दानवीर कर्म रहे, जो मैंने पहले भी बताया। उन्होंने 1952 में इन संस्थाओं का निर्माण किया। उसके बाद 1960 के अंदर सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय स्थापित हुआ। फिर 1988 में एसडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई। आप इनके संचालक हैं। शिक्षा जगत में भी आपने नाम कमाया, लेकिन शिक्षा जगत के साथ साथ अपने व्यवसाय में भी आप बहुत पारदर्शिता बरतते हुए एक ऊंचाइयों को आपने छुआ है। ऐसी शख्सियत हमारे साथ शिद्दत के साथ बैठी है सजन अग्रवाल जी, जिनका मेरे लिए तो बहुत प्रिविलेज होगा, शहर के लिए भी बहुत प्रिविलेज होगा। हम आपका स्वागत करते हैं हंसी की आवाज़ चैनल में। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन है, अनेकों अनेक अभिनंदन है कि आप एक ऐसे अवार्ड से सम्मानित हो गया है। अग्रवाल साहब, सीधे सीधे मैं अवार्ड पे आता हूँ, मैंने स्कूल की बात बताई। ये नवरत्न अवार्ड जो आपको मिला है, ये किस फील्ड में मिला, क्या अचीवमेंट्स की, किन के हाथों आपको नवाजा गया, जो हमारे लिए गौरव का विषय है, आप ये किसी मुकाबले से बताइएगा। काफी फैक्टर जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो हमारी फर्म गोविंद राम राम नरेंद्र दास, जो 250 वर्षों से इसी व्यापार में है ना, उसके अलावा इसमें उन्होंने और कोई व्यापार नहीं किया इस फर्म है ना। दूसरा, हम लोगों ने जो कॉटन को डेवलप करके और मिलों को जो है जो क्वालिटी प्रोवाइड करवाई और मिलों को जो चीज़ रिक्वायर्ड थी, उनको जो प्रॉब्लम आती थी, कहीं कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम है, कहीं और कोई प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ों को हम लोगों ने दूर किया और उनको एक जो है स्वच्छ कॉटन जो है, प्योर कॉटन जो है, शुद्ध कॉटन वो प्रोवाइड करवाई है ना, जिसकी वजह से जो है आज हमारा मिलों में एक नाम था कि भाई ये एक एज ए कमीशन एजेंट है ना, हम जो कॉटन प्रोवाइड करवाते थे वो कोई दूसरा आदमी नहीं करवाता। सेकंडली, हमने जो भी व्यापार किया कभी हम लोगों ने पूरे जीवन में अपनी ट्रेडिंग नहीं की,
हमने जो कुछ भी काम किया वो सब मिलों के लिए, मिलों के लिए है ना। बिल्कुल, तो ये एक पूरे हिंदुस्तान में एक मैं ऐसा कमीशन एजेंट हूँ जी जिसने कभी अपना ट्रेड नहीं किया, ट्रेड नहीं किया। ये सबसे बड़ा हमारा ये अवार्ड मिलने का। और भी कोई पैरामीटर होते हैं इसके? बस और तो पैरामीटर अपनी स्वच्छता है, ईमानदारी है, है ना। यानी कि आपने जो व्यवसाय किया कॉटन का, ट्रेडिंग का व्यवसाय किया, कि मैं कमीशन एजेंटिंग का किया, इसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता बरती। आपको किन के हाथों से नवाजा गया? हाँ जी, टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी। हाँ, स्मृति ईरानी। साथ में स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर, दोनों ने ही जो है स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर और टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने, दोनों ने। ये जो आपके पिताश्री थे, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जा रहा हूँ, लाला धनीराम जी, वो कॉटन का व्यापार करते थे। करते थे तो शिक्षा की ये जो एक उनकी ललक जो है नारी शिक्षा के प्रति उनका जो एक झुकाव रहा होगा, और वो कैसे, आपने तो देखा होगा पिताश्री को, कि कैसे उनके अंदर भावना जागी, और जो आज आपके अंदर भी निहित हम देख रहे हैं। हमारे गुरु थे जो अभी ब्रह्मलीन हो चुके जी, परम पूज्य स्वामी गणेशानंद जी, उनका एक जो है वो आशीर्वाद था या उनकी एक प्रेरणा थी कि उस समय में सन 1952 के समय में कि स्त्री शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान हिंदुस्तान का नहीं था, तो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये संस्था बनवाई, और लाला जी को प्रेरणा देके कि भाई आप लोगों ने जो है इतना बड़ा व्यापार करते हो और करते हो जी जी जी, अरे स्त्री लड़कियों की शिक्षा के लिए जो कि जो है पूरे सभी अपना घर भी बसाती है, दूसरे का भी बसाती है, और वो एक पूरे हिंदुस्तान के लिए एक प्रेरणा है वो जी, औरत जी, तो उसको उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए लाला जी को प्रेरणा दी कि भाई आप जो है ये जमीन आपके पास में है और ये जमीन आप इनको इस संस्था को दे दो, कोई भी ये संस्था बना के, और उसके अंदर जो है लड़कियों का ही स्कूल बनाया जाए। मैं नहीं समझ पा रहा कि ये जमीन तो अरबों खरबों रुपए की होगी उस आज के इस प्रिविलेज में, और इतने बड़े वो दानवीर करण कहलाए हैं, तो उसको आप आगे उनके प्रेरणा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक शहर के लिए ही नहीं, पूरे शिक्षा जगत के लिए बहुत मायने रखता है। ये हमारी जो है लाला जी ये लायलपुर में पाकिस्तान में कॉटन फैक्ट्री हुआ करती जी, वहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जी, उसके एवज में हमें ये अवार्ड मिला था है ना जी, समझ पा रहा हूँ। हाँ, तो जब स्वामी जी महाराज हमारे जो है गुरु थे पूरे परिवार के, तो उन्होंने कहा कि लाला जी इतना आपके पास पहले है, ये तो आपको जो है जो चला गया था है ना, पाकिस्तान छोड़ के आप आ गए, पाकिस्तान छोड़ के आने से वो फैक्ट्री चली गई, खत्म हो गया, अब उसके अगेंस्ट में आपको सरकार ने ये दिया है, तो इसको आप रख के क्या करोगे, तो ये आप जो है शिक्षा के लिए ये जो है आप दान में उसी उनकी ही यानी कि जलाई हुई ज्योत को आप आगे प्रज्वलित कर रही हैं। इन शिक्षाओं के साथ साथ आप और किन यानी कि ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं, जरा हमें बताएंगे? मैं गौशाला का प्रधान हूँ, श्री हरियाणा गौशाला रजिस्टर्ड, और सैनीपुरा गौशाला, गोपाल गौशाला, दोनों गौशाला का प्रधान हूँ, और दोनों गौशाला में तकरीबन 1800 गाय हैं, 1800 जो कि लंगड़ी लूली अकाई है, उनकी सेवा करना ही उद्देश्य है ना। तो गौशालाओं में चारा पर्याप्त मात्रा में, चारा हमारे पास कुछ जमीन है गौशाला की, दोनों गौशाला में है ना, उससे हरा चारा तो वहाँ पैदा हो जाता है, बाकी सूखा चारा जो है वो हमें बाजार से परचेज करना पड़ता है। साल में तकरीबन 40 से 50 लाख रुपये का चारा हम, आप शिक्षा के साथ साथ गौ सेवा। ये थे सजन अग्रवाल जी, जिन्होंने शिक्षा के लिए भी अपना जीवन जिया है, अपने पिताश्री के पदचिन्हों पर चल के आज भी नारी शिक्षा या उच्च शिक्षा पर बहुत यानी कि
प्रबल बल देते हैं सज्जन अग्रवाल साहब, और अपने व्यवसाय में भी जिन्होंने पारदर्शिता बरत कर एक उच्च मानकों को छुआ और एक ऐसे प्रेस्टिजियस अवार्ड नवरत्न अवार्ड जो 4 साल या 5 साल में एक बार दिया जाता है, पूरे देश के अंदर ऐसे नौ रत्न तलाशते हैं। कपड़ा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, कपड़ा हमारी एक बुनियादी जरूरत होती है। अब उस व्यवसाय के अंदर जुड़कर यानी कि इन्होंने यह अवार्ड हासिल किया है, मैं आपका बहुत बहुत यानी अनेकों अनेक अभिनंदन भी करता हूँ और इस अवार्ड के लिए आपको बधाई देता हूँ। और खासकर हमारे चैनल पे आकर आपने हमें कृतार्थ किया है अग्रवाल साहब, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी शख्सियत मित्रों बहुत कम होती हैं जो अपने व्यवसाय में भी बहुत पारदर्शिता बरतती, और कुछ पूर्वजों ने जो एक दानवीर करण जिनके हाथ से छूटता है, अपने व्यवसाय के साथ जो और होता है वो सब कुछ दान देकर नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसी शख्सियत को मैं पुनः नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ। आप हमारे चैनल पर आए, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया, और आपका फीडबैक भी हमें मिलता रहता है। आप हमें फीडबैक दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की पर्सनालिटी से शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आपसे एक वादा चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हासी का चैनल आपका अपना चैनल है। चले जाते हैं तेरी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।